हेलो एवरीबॉडी मैं डॉक्टर विक्रम मस्कर हूं एक घुटने और कंधे का विशेषज्ञ और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक प्रॉब्लम के बारे में जो पहले तो शुरू होता है कॉस्मेटिक प्रॉब्लम की तरह मतलब कहीं महिलाएं या कहीं जेंटलमैन ऐसे होते हैं जो अपने आप को देख के लगता है मेरे घुटने टेढ़े हैं मेरे घुटने टकराते हैं जब मैं खड़ा होता हूं और जब मैं चलता हूं मैं टाइट कपड़े नहीं पहन सकता तब तो वो एक कॉस्मेटिक प्रॉब्लम है पर बाद में इसमें क्या इश्यू हो सकता है आइए देखिए ये हमारा लोअर लिंब है या पैर है ये कूला है ये घुटना है और ये एडी है अगर हम एक सीधा लाइन ड्रॉ करें सेंटर ऑफ कूला कनेक्ट करें सेंटर ऑफ एडी तक तो ये घुटने के बीचों बीच जाना चाहिए आम आदमी में कई लोगों के घुटने तिरछे हैं तिरछापन ऐसे हो सकता है या ऐसे हो सकता है ऐसे वाले तिरछेपन को हम नौ बोलते हैं इसमें बदन का वजन जो है यह पूरी तरीके से बाहर वाले हिस्से में जाता है ना आप सोचिए आपका एक टेबल है आपका जो कारपेंटर ने एक पैर जो है उसको थोड़ा टेढ़ा बनाया है तो क्या होगा चलेगा टेबल पर अगर आप बहुत ज्यादा वजन लगाओगे या ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम टेबल जो है वो वहीं पे धसेगा जहां पे लेग जो है या पैर जो है वो टेढ़ा है वैसे ही जब बदन का वजन एक तरफा पड़ता है तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वहां पे ज्यादा वेयर एंड टेर होने के चांसेस है घुटना घिस सकता है और आर्थराइटिस हो सकता है ये नहीं बोल रहा हूं कि सब में होगा पर ये नॉर्मल फिजिक्स है कि जहां लोड ज्यादा जाए वहां पे वेयर एंड टेयर ज्यादा होगा नाउ हम क्या कर सकते हैं इसमें ये क्यों होता है ये होता है कभी कभी जेनेटिक है पैदाइशी कभी कभी चोट हो सकती है स्पेशली जो बच्चे हैं जहां से ग्रोथ होती है वो हड्डियों के नीचे वाले हिस्से या ऊपर वाले हिस्सों से होती है अगर वहां पे चोट लगे तो ग्रोथ जो है ये टेढ़ी हो सकती है और आजकल कोरोना के बाद सबसे ज्यादा विटामिन डी की कमी जब विटामिन डी की कमी होती है हड्डियां जो है वो ज्यादा फ्लेक्सिबल हो जाते हैं और उनका शेप चेंज हो सकता है अगर बच्चे का वजन ज्यादा हो इसके वजह से नीज या तिरछे घुटने हो जाते हैं नाउ अगर ये हुआ है तो हम क्या कर सकते हैं इसका तकरीबन आठ साल की उम्र तक ये अपने आप ठीक हो सकता है विटामिन डी की कमी हो तो उसको करेक्ट करना इंपॉर्टेंट है विटामिन डी की गोलियों के द्वारा आठ साल बाद ये अपने आप करेक्ट नहीं हो सकता तब हम सर्जरी के बारे में सोचते हैं तो अभी हम देखते हैं एक ऐसे महिला जिसको ये प्रॉब्लम हुआ था बहुत लोगों को ये दोनों घुटने में होता है पर इनको एक घुटने में हुआ था क्यों हुआ था हम कह नहीं सकते पर तकरीबन 15-16 साल की उम्र में पता चला पहले तो कुछ नहीं किया सोचा कि अपने आप ठीक हो जाएगा अल्टीमेटली जब ट्वेंटीज में आ गए तो पता चला ये तो ठीक नहीं होने वाला है तो कुछ करना चाहिए तो मेरे साथ मुलाकात होने के बाद मैंने पहले देखा उनको क्लिनिकली खड़े होके कितना तिरछापन है कभी कभी लगता तिरछा है पर हो सकता है कि आपके जांग मोटे हो इसलिए टकराते हैं तो इसको क्वांटिफाई करना मतलब कंफर्म करना कि नॉकनीजी है एक विशेष एक्सरे होता है कूले से लेके एडी तक खड़े होते समय वो किया और पता चला कि एक बहुत ही ज्यादा डिफॉर्म्ड है ना इसको सही करना ही था फैमिली को एक्सप्लेन किया कि इसको सही करना इंपॉर्टेंट है कोई इमरजेंसी नहीं है पर करना इंपॉर्टेंट है तो तैयार थे फिर इसी एक्सरे के द्वारा मैंने प्लान किया अपना ऑपरेशन प्लान क्या ऑपरेशन का अल्टीमेट महत्व यह है कि टांग सीधा हो टांग को सीधा कैसे करें पहले तो पता करना है कि टेढ़ापन कहां है जांग वाली हड्डी या पैर वाली हड्डी जांग वाली हड्डी का टेढ़ापन था इस पेशेंट में उसको क्वांटिफाई किया फिर हम कई एंगल्स ड्रॉ करते हैं पता करने के लिए कि ये कितना टेढ़ा है क्योंकि कितने डिग्री टेढ़ा है उतना ही हमें करेक्ट करना पड़ेगा ये बहुत उन्नीस बीस का खेल है तो ये बहुत स्पेशलाइज वाला ऑपरेशन है थोड़ा बहुत यहां वहां गए तो टेढ़ा रह सकता है उल्टा टेढ़ा हो सकता है वो करने के बाद मैंने प्लान किया कि इतना हड्डी मुझे ऑस्टिओटमी या तोड़ना पड़ेगा इसको सीधा करने के लिए तो सीधा कैसे करते हैं हड्डी को तोड़ के दो तरीके होते हैं हड्डी को तोड़ के एक तरफा खोलना ताकि ये सीधा हो जाए ये एक तरफा बंद करना ताकि ये कोलैप्स हो जाए मैं प्रिफर करता हूं कोलैप्स करने में क्योंकि जब हड्डी हड्डी से टकराता है तो हीलिंग बेटर होती है जब दोनों हड्डियां किस कर रही होती हो ऐसे तो मैं इसको एक मीडियल क्लोज्ड वेज ऑस्टिओटोमी बोलता हूँ जहाँ पे एक छोटी सी वेज निकलती है हड्डी को हम कोलैप्स करते हैं सीधा करते हैं और उसको एक प्लेट के द्वारा फिक्स करते हैं पेज के साथ अगर 16, 17 से ज़्यादा हो 18 से ज़्यादा हो भारी पेशेंट हो तो ये सॉल्यूशन है कभी कभी छोटे बच्चों में जो 14, 15 साल के हैं जिनकी ग्रोथ खत्म हो गई है पर अभी भी बच्चे हैं मतलब पूरी मेच्योरिटी नहीं आई है फिर एक कॉस्मेटिक टेक्निक से भी मैं ठीक करता पर इनमें क्योंकि इनका उम्र ज़्यादा था साइज थोड़ा बड़ा था तो प्लेट करना इंपॉर्टेंट था और ये आप देख सकते हैं इनकी डिफॉर्मिटी ऑपरेशन प्लान किया ये एक्सरे के ऊपर वेज निकाला प्लेट लगाया ये एक्सरे है ऑपरेशन के तुरंत बाद एक सीटी स्कैन करता हूँ देखने के लिए कि बदन का वजन कहाँ जा रहा है ये आप देख सकते हैं बिल्कुल सीधा है ये घुटना जीरो डिग्रीज और ऑपरेशन से पहले ये आप देख सकते हो इसके बगल में इतना ज़्यादा तिरछापन था और अभी आप देख सकते हैं ये खड़ी हुई हैं दोनों घुटने बिल्कुल सीधे हैं नाउ अपने प्रॉब्लम को रेकग्नाइज करो ये एक विशेषज्ञ वाला ऑपरेशन है मैं एक विशेषज्ञ हूं ये ऑपरेशन करता हूं तीन चीजें होती हैं एक सक्सेसफुल ऑपरेशन में कौन करता है क्या लगाते हो और ऊपर वाला मैं एक विशेषज्ञ हूं मैं बेस्ट टू बेस्ट इंप्लांट्स लगाता हूं फिक्स करने के लिए और ऊपर वाला हमारे साथ रहता है इसकी प्लानिंग इंपॉर्टेंट है ऑपरेशन से पहले डरिए मत पूरी सावधानी बरतते हैं कोई भी ऑपरेशन में लोग कॉम्प्लिकेशंस के बारे में सोचते हैं कोई भी ऑपरेशन में कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है तो हम उनको मिनिमाइज करते हैं जैसे इन्फेक्शन इत्यादि डिस्पोजेबल यूज करके और अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल थैंक यू